एक मौत का मामला जिस पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति अलग बात है, लेकिन तथ्यों की बात भी अलग है। अब ऐसे में मौत से पहले की बातचीत क्या हुई थी अपने बेटे से मुख्तार की, ये सवाल था और इस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। मौत से पहले अपने बेटे से मुख्तार अंसारी ने बातचीत की थी और इस बातचीत में क्या कुछ कहा गया था वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। खबरें अभी तक के पास वो ऑडियो है, मौत से पहले का ऑडियो सामने आया मुख्तार अंसारी का। ऑडियो में बेटे से बातचीत करता हुआ सुनाई दे रहा है मुख्तार अंसारी। खबरें अभी तक, वो ऑडियो आपको सुनवाने जा रहा है। बिना समय गवाए सीधा आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। अठारह तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, नहीं एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज होके नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन, चार दिन, पाँच दिन आओ ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर कसा बसर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज़ सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख तभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाल्लाह, बिल्कुल अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उमरा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, शफुल मखलूकात हैं पापा, और आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पाए। हम अभी जी पापा, हम अभी अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा पापा, आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा हर जगह। कहा नहीं पास, उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं नहीं, दस दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे पापा, हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए, जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदी अरब से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। पाँच दिन भाई जी जरूर पापा, जरूर जी पापा, जल्दी करा रहे हैं, भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जस्ट आप बात कराए मेरी भी इसी पे।
वीसी पे बात हुई थी, यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। वो वही दो दिन तीन दिन रुका करे थोड़ा बच्ची, तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी बापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे, अगर आर्डर हो जाएगा तो कल ले को फिर दो तीन दिन बाद आएंगे सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है, तुम हमें बोल पाओगे। तो आपने सुना क्या कुछ बातचीत हुई है मुख्तार अंसारी और उसके बेटे के बीच में, और तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी ये बातचीत से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है।